सुनील, हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कि किस तरह अगर कोई चीज लिविंग है तो हम उसके लिए जो है वो क्या है, अगर उसको कहना है तो उसके लिए किम होगा, अगर बेजान है तो उसके लिए नहीं होगा। मिसाल के तौर पर बू किम, अगर वो जानदार, जैसे कि बू किम ये कौन है, तो बू कप्तान, ये कप्तान है या ये कैप्टन है। बू ने, ये बेजान चीज है तो हमने कहा बू ने, तो ये बू देनिस के ये समंदर है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे ये कैसे करेंगे कि हम इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये जो चीज है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये बेजान है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बू ने। अब आप कहेंगे बू ने हमने क्यों कहा, क्योंकि ये बेजान थी, इसी वजह से हमने इसको बू ने कर दिया। ठीक है, अगर ये जानदार होती तो हम इसको कुछ और भी कर सकते थे। अब ये इसको सिंपली इसका जवाब होगा बू चांता, कि मतलब ये चांता है या ये बैग है। वेरी सिंपल है आपका, अगर स्कूल बैग है उसको भी चांता कहेंगे, अगर लड़कियों का पर्स है तो उसको भी चांता कहेंगे। अब इसी तरह ये क्या है, तो ये किताब नॉन लिविंग है तो हम कहेंगे बू ने। ठीक है, ये क्या है, तो ये किताब है, नॉन लिविंग है तो हम कहेंगे बू किताब। ठीक है, सिंपली के बू किताब, ये किताब है टर्किश में। अब इसी तरह ये गिलास है तो हम कहेंगे बू ने, कि ये क्या है, तो जवाब इसका वही होगा बू बार दक, कि ये बारदक है या गिलास है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास और भी चीजें, हम इनको भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये है बू अनहातर कि ये चाबी है, तो इसके लिए जो हम क्वेश्चन किसी से पूछेंगे बू किम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बू ने। ठीक है, मतलब ये क्या है। सिमिलरली बू पेंजरे, ये खिड़की है, तो इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, बू ने करके बनाएंगे, क्योंकि जो खिड़की है वो नॉन लिविंग है। सिमिलरली ये पुलिस है, पुलिस वाला है, तो हम कहेंगे बू केम, के ये कौन है, और हमने यहाँ पे बू किम कहा है क्योंकि ये लिविंग है। इसी तरह ये भी है कि बू ने, ठीक है, ये इनके लिए भी हम ज्यादातर जो प्लांट वगैरह, इनके लिए भी हम क्या करेंगे, बू ने ही करेंगे, बू किम नहीं होगा, ये कौन है, बुने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये इसी तरह अगर आप इसमें बू शू वगैरह देखें, लेट्स से के जो करीब तरीन है बू, उसके लिए जो है वो बू का लफ्ज़ कर, पहले के लिए बू आत, कि ये घोड़ा है, और उसके अलावा ये जो शू, मतलब जो और ज्यादा करीब थोड़ी सी दूर है उसके लिए शू केची। यहाँ पे मैं चे नहीं लिख पा रहा, लेकिन आप लोगों ने चे ही लिखना है, केची कहते हैं बकरी को। ठीक है, अब ये जो सबसे ज्यादा दूर है उसके लिए वो इनेक। ठीक है, ओ इनेक, वो गाय दूर खड़ी हुई है तो उसके लिए ये दूर का ही सीगा इस्तेमाल करेंगे। जो करीब होगी उसके लिए बू, जो थोड़ी सी दूर है उसके लिए शू, और जो सबसे ज्यादा दूर है उसके लिए ओ का लफ्ज़ हम यूज करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।